हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो फ्रेंड्स, इस सावन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और शिव जी करे आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और आज से सावन में जो हर महीने पड़ता है गुप्त शिवरात्रि बोलते हैं, तो वो पड़ा है और ये काफ़ी बहुत ही शुभ माना जाता है कि सावन के महीने में शिवरात्रि पढ़ना। तो इसके लिए आप घर में मिट्टी के जो शिवलिंग होते हैं, पार्थिव शिवलिंग बना के घर में रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इसके बहुत सारे लाभ आप लोगों को मिलते हैं, तो आज हम लोग वही करने वाले हैं। मुझे तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे जितना भी पता है मैंने देख के, हम लोग भी आज रुद्राभिषेक करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग शिवलिंग बनाने जाएंगे जो मट्टी का है, और हमारे छत से मट्टी लाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। गमला है, उसके अंदर से हम लोग मिट्टी लेंगे। बेल का पेड़ लगा हुआ है, तो हम लोग इसकी मिट्टी सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है, तो हम लोग इसी की मिट्टी से ही पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे मिट्टी निकालने के लिए, मेरे पास कुछ और नहीं था, तो मैं चम्मच ही लेके आ गई। और इसकी मिट्टी हम लोग लेंगे, क्योंकि जो बोलते हैं घर की जो मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। ये हमने मिट्टी ले ली, अब इसकी थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। अनिता के घर से बेल पत्ते लेके आई हूँ, और साथ साथ बेल पत्ते सबके लिए, हम तीनों बहन और मम्मी चारों जन के लेकर बेल पत्ते लेके आई हूँ। करने के लिए चावल के दाने चाहिए रहेंगे 108। तो इसमें अगर आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं सबको 108, जो जितने लोग इससे रुद्राभिषेक में करना चाहते हैं सबको 108 चावल के दाने बिनने हैं। तो हम लोगों को इसमें से 108 करके अपने अपने लिए बिनने हैं। तो मेरे घर में देखो, मेरी बहन भी कर रही है। इसको देखो, अब हम लोग को चावल गिन के इस दिए में रखना पड़ेगा। तो 8 चावल हमें बिनने हैं खुद के लिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसे, आजा आ, ये सबके पाँव के नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाना इसको। कैसे आ रहा, आजा। हमारे घर का न्यू मेंबर है जो अभी आया है, 2 दिन हुआ हमारे घर में आया है, और ये सब ये जो जाते रहेगा उसके आगे पीछे भागते रहेगा। और इसे कुछ दिन पहले ही चोट आई है, तो अभी ये ठीक है। हाय चिक्की चिक्की, हेलो बोलो सबको। पिस रही है ये शिवलिंग बनाने वाली मिट्टी में, हम लोग मिक्स करेंगे। बस इस थाली में शिवलिंग बनाएंगे मिट्टी के, और इस बेल पत्र के ऊपर। मम्मी का आज फास्ट है, मेरी मम्मी की हालत बहुत ख़राब हो गई है। हालत ख़राब है हमारी, मम्मी की हालत ख़राब हो गया है, आज फास्ट रह के, मेरा कल फास्ट था। तो हम लोग इस थाली के ऊपर, इस बेल पत्र के ऊपर पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, जिसका हम लोग रुद्राभिषेक करेंगे। मेरी कुछ वीडियो मिस हो गई है, तो मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि डिलीट हो गई है। तो यहाँ पे हम मिट्टी के शिवलिंग बना लेंगे, और इस शिवलिंग का ही हम रुद्राभिषेक करेंगे। और कहते हैं कि अपनी जो भी मनोकामनाएं होती हैं उसे आप रुद्राभिषेक करते समय मांग लेंगे तो आपकी पूरी हो जाएंगी, या फिर आपके जीवन में कोई परेशानी आती है तो वो दूर हो जाती है। और यहाँ पे नाग देवता बना रही हैं मेरी बहन लोग। सारे लोग शिव जी के सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके जो बताइएगा। शिवलिंग जो है तैयार हो गए हैं, और ये हम तीनों बहनों की मेहनत है जो हमने शिवलिंग है बना दी है। पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है, जो मिट्टी के शिवलिंग होता है, इसकी ही हमें रुद्राभिषेक करके इसे ही हम लोग ठंडा करेंगे। हम नीचे जा रहे हैं और सबसे पूछेंगे कि हमारा शिवलिंग कैसा बना है, देखते हैं सबके क्या रिएक्शन आते हैं। तो सबसे जाके जब पूछते हैं कि हम लोग का शिवलिंग कैसा बना है, देखते हैं सब क्या कहते हैं। तो यहाँ पे मम्मी से पूछते हैं कैसा बना शिवलिंग। मम्मी बता, हमारे शिवलिंग कैसा बना है। अच्छा बना ना चाची, देखो बढ़िया बना है ना। अब काजल इसमें जो नाग देवता है उनके उनका आँख बना रही है। सारे सामान की लिस्ट बना ली है, अभी इस लिस्ट में देखना है कि क्या क्या हमारे पास है और क्या क्या हमें खरीदना पड़ेगा, फिर हम मार्केट जाके खरीदेंगे। तो इसमें बहुत ये लिस्ट आप देख सकते हैं। हम लोग रेडी हो गए और हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि पूजा का सामान खरीदना है, और कल हमारे पार्लर में पूजा है तो उसके लिए भी सामान खरीदना है। तो चलिए चलते हैं, आप लोग को मार्केट की रौनक दिखाती हूँ। तो हम लोग मार्केट के लिए निकल रहे हैं, ये मेरा घर है और गाड़ी मेरी छोटी बहन चलाएगी।
तो यहाँ हम लोगों को पार्लर के पास रुकना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को दीदी को पिक करना है, फिर हम तीनों साथ में जाएंगे शॉपिंग करने पूजा का सामान लेने के लिए, क्योंकि कल पार्लर में भी पूजा है तो उसका भी सामान लेना है हम लोगों को। तो ये हमारा पार्लर आ गया है और फिर यहाँ पे हम लोग शॉप पे भी पहुँच गए हैं। और एक पार्सल पूजा में इतने सारे सामान लगते हैं मुझे पता नहीं था, मुझे आज पता चल रहा है। इसमें से बहुत सारे चीज तो मैं जानती भी नहीं थी क्या होता है। रोली एक डब्बा और सामान हो गया ना, इसको भी झिल्ली में डालो। यहाँ हम लोगों को गुलाब का फूल भी चाहिए था तो हम लोग फूल के दुकान से गुलाब का फूल लेंगे, और मिठाई भी चाहिए था तो यहाँ पे मैंने लड्डू लिए हैं, लड्डू और दही लिए हैं हमने पंचामृत बनाने के लिए। और यहाँ पे मुझे लिस्ट लेके हर जगह घूमना पड़ रहा था कि कुछ चीज़ छूट ना जाए, लेकिन फिर भी मेरी एक चीज़ छूट गई थी। वो जो बड़ा वाला है ना वो पार्लर वाला पकड़े हो रहा है थोड़ी महाप्राणेश्वर महादेवेश्वर महादेव जय महर्षि के श्रीमुख से यहाँ भी हमारा रुद्राभिषेक का वीडियो मिस हो गया था तो उसके लिए सॉरी। और हमारी पूजा बहुत अच्छी हुई और शिव जी करे आप सभी के मनोकामनाएं पूरी हो। ओके बाय, आप तब तक वीडियो एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे ब्रज में अपना रजिस्ट्रेशन करिए, 65 से अधिक के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो आप अपना नाम यदि चाहते हैं तो नंबर है 735-11-11-9-00। यहाँ हमारी पूजा की थाली रेडी हो गई है और यहाँ पे सब अपनी अपनी थाली लेके रेडी हो गए हैं। 7 बजने के इंतजार कर रहे थे, फिर उसके बाद पूजा स्टार्ट करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग टीवी से देख के पूजा कर रहे थे क्योंकि हम लोग की इसकी विधि पता नहीं थी, हम लोग पहली बार कर रहे थे। तो तब तक आप मेरा वीडियो एंजॉय कीजिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Oh,